वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे सन टेम्पल कोणार्क के बारे में। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को साइट में शामिल हो चुका है, इसलिए एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इंक्लूड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में कोणार्क मंदिर को कब शामिल किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1984, 1984 में पहली बार कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को साइट पर शामिल किया जा चुका है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ये याद रखे, ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखे, ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में सन टेम्पल अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगड़ा। हम किसी मंदिर को ब्लैक पगड़ा के नाम में भी जानते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पगड़ा के नाम में भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहु बार आ चुका है। ये भी याद रखे, ब्लैक पगड़ा पहली बार इस कोणार्क मंदिर को कौन बोला था ना? ब्रिटिश। जो ब्रिटिश जब भारत में शासन करते थे उसने ही कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोलते थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, हु बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर को किसने निर्माण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लांगुड़ा नरसिंहदेव। लांगुड़ा नरसिंहदेव, बा इसको हम लांगुड़ा नरसिंहदेव वन भी हम कहते हैं, उन्होंने ही कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किया है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, द साइज ऑफ सन टेम्पल लाइक कोणार्क का सूर्य मंदिर आकार में कैसा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए चैरियट। कोणार्क के सूर्य मंदिर एक रथ के आकार में होता है, इसको इसी तरह बनाया गया है, एक रथ की तरह देखने में ये मंदिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कौन सा उक्ति सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों उक्ति सही है। पहली 24 व्हील्स, जो आप मैं बताया हूँ कोणार्क मंदिर रथ की तरह दिखाई जाता है, इसमें 24 व्हील 24 चक होते हैं इस मंदिर में, और 7 हॉर्स। इस मंदिर के आगे में आप देख सकते हैं 7 हॉर्स इस रथ को टालने का नजर आएगा। ईच व्हील हैज 8 स्पोक, प्रति चक में 8 स्पोक भी हम देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कौन सा उक्ति सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द, एवं ये तीनों ही सही है, ये भी याद रखे। 12 ईयर्स टू बिल्ड, कोणार्क मंदिर को निर्माण करने के लिए 12 वर्ष लग गया था, 1200 वर्कर एंगेज, 1200 कारीगर इस मंदिर को निर्माण किया है, और 1200 करोड़ रुपीज स्पेंड। इस समय पर 1200 सप्ताह में इस मंदिर को निर्माण करने के लिए 1200 कोटि खर्च हुआ था, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कितना ही ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था इस पुराना समय में, ये भी याद रखे। ये तीनों ही ये कोणार्क मंदिर से संबंधित है, बार बार बार, ये बहुत एक फेमस है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड सन टेम्पल बिल्ड, यार कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण कब किया गया था ना? 1238 से 1250 सेडी के अंदर में निर्माण किया गया, ये भी याद रखे। नेक्स्ट, हु वाज मेन आर्किटेक्चर ऑफ कोणार्क टेम्पल। कोणार्क के सूर्य मंदिर का मुख्य कारीगर व वास्तुकार कौन है ना? सही उत्तर विश्व महाराणा, ऑप्शन नंबर ए विश्व महाराणा कोणार्क मंदिर के मुख्य कारीगर थे। इसमें 1200 कारीगर को एंगेज किया गया था, 12 साल लगा था, और 1200 कोटि खर्च हुआ था, इसे याद रखे, और विश्व महाराणा ही इसका मुख्य थे। नेक्स्ट, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बिल्ट इन व्हिच रिवर। कोणार्क के सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा नदी के किनारे पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अवस्थित होता है, ये एग्जाम में बहुवार आ चुका है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ कोणार्क टेम्पल। कोणार्क के मंदिर के पास एक फेमस फेस्टिवल क्या होता है ना, उत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोणार्क डांस फेस्टिवल। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष कोणार्क डांस फेस्टिवल कोणार्क के मंदिर के पास आयोजित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये भी याद रखिए। हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ,
कोणार्क मंदिर जो मुंडी मारा गया था, 1200 कारीगर भी इस मुंडी को नहीं मार पाए। इसलिए एक दिन राजा का संदेश आया, जो भी काल काल तक जब मंदिर के मुंडी निर्मित नहीं हुआ तो हम सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस समय पर कोणार्क, ये जो विश्व महाराणा थे मुख्य कारीगर, इसके एक बेटा था धर्मपद, इसका नाम, ये केवल 12 साल का था धर्मपद। उन्होंने ही कोणार्क मंदिर का मुंडी मारकर चंद्रभागा नदी में झांस दिया था। ये भी याद रखिए, 12, कोणार्क मंदिर से 12 ही एक लकी नंबर है। धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।